आज जो ये लड्डू बनाई हूँ ये हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इस लड्डू में डाली हूँ गोंद, और गोंद को खाने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। सर्दियों में इसे खाने से खांसी जुकाम पास भी नहीं भटकती, और गोंद के साथ ही इसमें काफी सारे ड्राई नट्स भी डाली हूँ, और ड्राई फ्रूट्स के बेनिफिट तो आप सभी जानते ही हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इस लड्डू को गेहूं के आटे के साथ बनाना। तो इस लड्डू में डालने के लिए मैं ली हूँ 150 ग्राम गोंद, और गोंद को सबसे पहले फ्राई किया जाता है, फिर इसे लड्डू में डाला जाता है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। सर्दियों में इसे खाने से शरीर गर्म रहती है, हड्डियाँ भी मजबूत बनती है, तो सर्दियों में जरूर गोंद का सेवन करें। तो चलिए पहले फ्राई कर लेते हैं। तो इस गोंद को मैं फ्राई कर रही हूँ घी में। लड्डू वगैरह जो बनती है वो घी में ही काफ़ी टेस्टी बनती है, तो घी में ही फ्राई करें। तो 2 चम्मच मैं घी डाली हूँ, और घी को गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना गर्म हो जाए कि गोंद डालने के बाद वो अच्छे से फूल जाए और जले भी ना। यदि बहुत ज़्यादा घी गर्म हो जाएगा और गोंद उसमें डालूंगी तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, हार्ड रह जाएगा, तो वो लड्डू में जाने के बाद अच्छा नहीं लगता। घी गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम मीडियम में रखकर अब गोंद डाल दूंगी। तो सारा गोंद एक बार में नहीं डालना है, वरना गोंद आपस में चिपक जाएगा और खिलेगा नहीं, फूला फूला नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि आपस में चिपके नहीं गोंद और खिला खिला फूला फूला हो। तो देखिए 2 से 3 बैच में मैं गोंद को फ्राई करूंगी। आप देख सकते हैं इसे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इस तरह फूला फूला होने में, कुछ ही सेकंड में ये इस तरह बड़े बड़े साइज में हो जाता है। तो बस अब इसे निकाल लेना है। गोंद को इस तरह से निकालेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा घी हो वो कढ़ाई में ही रह जाए। तो बस इसी तरह से सारे गोंद को फ्राई करके निकाल लेना है। सर्दियों में गोंद सभी को खाना चाहिए, तो इस तरह से लड्डू में बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे भी काफ़ी पसंद से खाएंगे। तो ज़रूर बनाइए एक बार, और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सारे गोंद को इसी तरह से मैं फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। गोंद तो फ्राई हो चुका है, अब चलिए ड्राई फ्रूट्स भी सारे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं काजू फ्राई कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में आप अपने मनपसंद के नट्स ले सकते हैं, और क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस कुछ ही मिनटों में ये फ्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो गया है, फ्राई हो चुका है, बस अब इसे निकाल लेना है। इसके साथ ही अब इसमें बादाम ऐड कर दूंगी, इसे भी फ्राई कर लेना है। कुछ ही मिनटों में ये भी फ्राई हो जाएगा। तो ये सब ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रोस्ट करके ही डाले लड्डू में, ताकि लड्डू का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही लड्डू का सेल्फ लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाएगा। काफ़ी महीनों तक आप स्टोर करके इसे खा सकते हैं। पूरी सर्दियों के लिए एक बार बनाकर रख ले लड्डू, और सर्दियों भर इस लड्डू का मजा ले सकते हैं। इसी तरह किशमिश को भी रोस्ट कर लेना है। किशमिश को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा देर तक यदि इसे रोस्ट करेंगे तो ये काला पड़ जाएगा, तो बस कुछ ही सेकंड इसे लगेगा रोस्ट होने में। किशमिश के रोस्ट होते ही इसे निकाल लेना है, और निकालने के बाद अब इसमें मगज के बीज को भी रोस्ट कर लेना है। तो सारे मगज को डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम में इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। ये सीड जैसे जैसे रोस्ट होते जाएगी ये फूलता जाएगा, और साथ ही इसमें से चटकने की आवाज़ भी आती जाएगी। ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, बस अब इसे भी शिफ्ट कर देना है। और इसी कढ़ाई में अब डाल रही हूँ पम्पकिन सीड, इसे भी रोस्ट कर लेना है। इसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करना है। अपने मनपसंद किसी भी ड्राई नट से इस लड्डू को बना सकते हैं। तो बस ये भी रोस्ट हो चुका है, तो इसे भी निकाल लेना है। अब इसमें मखाना रोस्ट कर लेना है। तो आप चाहे तो घी के साथ भी रोस्ट कर सकते हैं, मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो मखाना को रोस्ट करना है तब तक जब तक ये क्रंची ना हो जाए। लड्डू में जाने के बाद इसमें जो क्रंच रहता है वो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, तो क्रंची होने तक इसे रोस्ट करना है। कुछ ही मिनटों में ये रोस्ट हो गया है, मैं इसका साउंड सुना रही हूँ। मखाने से जब तक इस तरह का साउंड ना आए तब तक रोस्ट करना है।
ये अच्छे से रोस्ट हो चुका तो इसे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इसी बर्तन में मैं आटे को भी भूनूंगी लड्डू के लिए। लीजिए, बिल्कुल तैयार है सारे नट्स रोस्ट होकर। इसे होने देंगे ठंडा, तब तक चलते हैं लड्डू की आगे की तैयारी कर लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए जिस भी बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बॉटम थोड़ा मोटा होना चाहिए, ताकि आटा भूनते वक्त वो जले नहीं। अब इसमें घी डाल दे रही हूँ। तो मैं यहाँ एक कटोरी घी ली थी और इसी से मैं ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट की थी, और बची हुई घी इसमें डाल दे रही हूँ। घी के डालते ही इसमें मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ। रेगुलर जिसकी रोटी खाते हैं ना, बस वही आटा है। लड्डू के लिए मैं 700 ग्राम आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रखकर अच्छे से रोस्ट करना है इसे, ताकि इक्वल रोस्ट हो। ऊपर से नीचे तक चलाते हुए, लगातार भूनते हुए इसे रोस्ट कर लेना है। धीरे धीरे इसे रोस्ट करते जाएंगे तो इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और इसमें से खुशबू भी आती जाएगी। आटे को बहुत ही पेशेंस के साथ धीरे धीरे भूनना है, ताकि लड्डू में स्वाद बना रहे। हाई फ्लेम में रखकर यदि आटे को भूनते हैं तो कलर तो आ जाएगा लेकिन स्वाद नहीं आएगा लड्डू में, तो लो टू मीडियम फ्लेम में ही धीरे धीरे करके भूने। आप देख सकते हैं धीरे धीरे भूनते भूनते आटे का कलर चेंज होता जा रहा है और इसमें से धीरे धीरे खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी इसकी बुनाई और भी करनी है। ये अभी भी काफी ड्राई लग रहा है, इससे लड्डू बंधेगी नहीं, तो इसमें मैं थोड़ा घी और ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब ऐड की हूँ घी। तो घी को मिक्स करते हुए आटे की बुनाई अभी और कर लेनी है। यदि लड्डू बांधते वक्त लड्डू अच्छे से बंधे नहीं तो घी आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरत के हिसाब से इसमें घी ऐड कर सकते हैं। इस लड्डू को बनाते वक्त मैंने 700 ग्राम आटा ली हूँ, तो इसमें 300 ग्राम मैं घी ऐड की हूँ। आप देख सकते हैं आटे का कलर बहुत ही अच्छी तरह से चेंज हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये आटा बिल्कुल भूनकर रेडी है, आप देख भी सकते हैं पहले आटा का कलर कैसा था और अभी कैसा हो गया। गोल्डन कलर का हो चुका है, तो इसकी बुनाई हो चुकी है कंप्लीट। इस लड्डू में फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ 1 चम्मच इलायची पाउडर और साथ ही डाल रही हूँ जायफल घिसकर। तो यहाँ 1 जायफल को घिसकर हाफ कर ली हूँ, उतना डालना है बस। अब दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना आटे में। मिक्स होते ही इसे शिफ्ट कर देना अलग बर्तन में, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और साथ ही इसमें सारे ड्राई नट्स को ऐड कर सकूं, मिक्स कर सकूं। इसे रोस्ट करने में मुझे 30 मिनट्स का टाइम लगा है और इस आटे को पूरा ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा हो जाए कि इसे छू सके हाथों से और लड्डू बांध सकूं। इसे थोड़ा फैलाने के बाद इसे छोड़ देना है। अब चलते हैं ड्राई नट्स जिसके रोस्ट करके रखे थे उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। सारे ड्राई नट्स अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो बस अब इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। कटे हुए ड्राई नट्स ज्यादा अच्छा लगता है लड्डू में। कई लोग मिक्सी में पीस कर इसके पाउडर डालते हैं लड्डू में, लेकिन मुझे लगता है कि ये कटे हुए ज्यादा अच्छा लगेंगे, तो मेरे तरीके की एक बार जरूर बना कर देखें। तो सारे ड्राई नट्स को इसी तरह से चॉप कर लेना है। अब इसे भी मिला देना है आटे के साथ। अब दूसरे ड्राई फ्रूट्स को भी इसी तरह चॉप कर लूंगी। ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद है, इसे बच्चे बड़े तो खा ही सकते हैं, जिनकी डिलीवरी हो चुकी है उन्हें भी जरूर खानी चाहिए। ये भी चॉप हो चुका है, तो इसे भी आटे में डाल देना है। गोंद को भी इस तरह से क्रश कर लेना है बिल्कुल हल्के हाथों से। ये काफी सॉफ्ट है तो बहुत ही जल्दी दरदरा हो गया, तो इस तरह से इसे भी मिक्स कर देना है। मखाने को भी इसी तरह से क्रश कर लेना है, बस 2 से 3 टुकड़ों में ये टूट जाए, बस उतना ही करना है। सारी चीजों को आटे में डाल देना है। अब इसमें मगज भी ऐड कर दे रही हूँ जिसे रोस्ट करके रखी थी। इसे कुछ भी क्रश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी छोटे पीसेस में है। तो देखिए सारी चीजों को डाल चुकी हूँ, तो बस अब इसमें शुगर पाउडर ऐड करना है। चीनी को पीस कर ही डालें इसमें। तो यहाँ मैं चीनी डाल रही हूँ 200 ग्राम। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
यदि शुगर ज़्यादा पसंद हो तो 50 ग्राम और आप ऐड कर सकते हैं। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद तुरंत ही इसे बांधना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसे पूरा ठंडा होने नहीं देंगे, वरना लड्डू बांधते वक्त दिक्कत आएगी। बस अब इस मिक्सचर से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू का शेप दे देते हैं, अपने हिसाब से छोटा बड़ा जिस भी साइज का चाहिए उतना बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा प्रेशर दे के इस तरह से लड्डू बांध लेंगे। लड्डू अच्छी लग रही है ना, इसी तरह से सारे लड्डू बांध लूंगी इस मिक्सचर से। इस ठंड के मौसम में इस लड्डू को जरूर बनाएं, पहली बार में ही परफेक्ट लड्डू बनकर रेडी होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए, देखने में अच्छा लग रहा है ना। तो इसी तरह से सारे मिक्सचर से लड्डू बनाकर रेडी कर ली हूँ। आपके बच्चे आपसे दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनको आप अपने हाथों से बना कुछ अच्छा खिलाना चाहते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस लड्डू को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। गोंद की लड्डू की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसे एक बार बनाना तो बनता ही है, बहुत ही इजी तरीका से बताई हूँ इसे बनाने का, तो ज़रूर बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो शेयर भी करिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।